नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत फार्मिंग पर। मैं आरआर द्रविड़ आज आपको टिप्स के बारे में बताने वाला हूं कि हाइड्रोपोनिक प्लांट जब आप ग्रो करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स के अलावा कुछ टिप्स होती हैं, वो फॉलो करना जरूरी रहता है। ये सबके साथ हो भी सकता है और सबके साथ नहीं भी हो सकता है। तो मैं बताऊँ कि आप पैरामीटर्स के बारे में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पीएच है, टीडीएस है, प्रॉपर सनलाइट है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, वेदर का टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपको मैं लगभग बता ही चुका हूँ, लेकिन मैं अपडेट लाता रहूँगा उनके भी। आज का जो अपना वीडियो है ये खास इस बात को लेकर है, पॉल्यूशन को लेकर, कि पॉल्यूशन का आपकी हाइड्रोपोनिक क्रॉप पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है या क्या फ़र्क पड़ता है। असल में होता है क्या है कि अपने यहाँ जितना भी फार्मिंग की जाती है वो दो तरीके की है। अगर हाईटेक फार्मिंग है, एक तो पॉली हाउस में और दूसरा क्या है, ग्रीन नेट में या ब्लू नेट में, जैसा कि मैंने दो इधर ब्लू और वाइट लगा रखा है, इधर ग्रीन कलर का लगा रखा है, इसमें किया जाता है। ऐसे में होता है क्या है कि ये तीन चार तरीके का आता है, 50%, 75%, 90% इस तरीके से आता है। आप कोई सा भी लेंगे, क्या रहता है कि इसमें छोटे छोटे होल्स रहता है, उससे क्या रहता है कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स अंदर आ जाते हैं और वो डस्ट पार्टिकल्स क्या रहता है कि प्लांट्स की पत्तियों पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जो प्लांट्स को प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करना चाहिए सनलाइट के प्रेजेंस में, वो नहीं कर पाते, और ऐसे में क्या होता है कि प्लांट्स की ग्रोथ जो होता है वो स्लो पड़ जाती है। कभी कभी पत्तियां भी डाउनफॉल होने लगती हैं, गिरने लगती हैं, या फिर पत्तियां हल्की हल्की पीले पड़ने लगती हैं, या और भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। तो आप इसका एक तरीका ये है कि आप इस तरीके का एक फॉगर ले लीजिए, और जो अक्सर जो माली होते हैं उनके पास रहता है या जो नाई कटने बाल कटने वाले रहते हैं, वहाँ से आप मार्केट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैंने आपको ये दिखाने के लिए किया है, मैं एक इंजीनियर हूँ इसलिए मैं इस पर काम नहीं करता, क्योंकि मेरा ऑटोमेशन का काम रहता है कि मुझे बहुत सारा काम मशीनों से काम। पीटर ज़रा ऊपर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, मैंने ये ड्रिप लाइन बिछा रखी है, ये फॉगर लगे हुए हैं, ये टाइम टू टाइम चल जाते हैं, ये हर एक घंटे पर दोपहर में चल जाते हैं, इसमें टाइमर की असेंबली है, ये चल कर रुक जाते हैं। सुबह इस पर 11 से 12, 12 से 1, शाम को 4 बजे तक ये चलते हैं और उसके बाद फिर ये बंद हो जाते हैं। तो उस पर कुछ डस्ट वगैरह इकट्ठा नहीं होती है, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने पिछले 3 दिनों से इसको बंद रखा है ताकि इस पर प्रॉपर तरीके से डस्ट इकट्ठा हो जाए, और अब लग रहा है कि आपको दिखाने लायक इस पर डस्ट इकट्ठा हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो तो ठीक है, उसका मैं प्रॉपर एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसके बहुत सारे काम है। रोजल क्या करता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, इसकी जो डस्ट होती है उसको दूर कर देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, और भी बहुत सारे काम करता है, डस्ट कलेक्टर का भी काम करता है। तो उस पर तो मैं, और मैं फर्टिगेशन भी उसी से करता हूँ, मेरा वहाँ पर लास्ट में रिजर्वायर लगा हुआ है, मैं उसमें अपना फर्टिगेशन डाल देता हूँ और वो यहाँ पर फाइलर स्प्रे हो जाता है, मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता है, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पीटर ज़रा यहाँ फोकस कीजिएगा, देखिए ये जो है ये कितना अधिक इस पर डस्ट है, अगर आप देखने में आपको दिख रहा है कि ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पर जब आप स्प्रे कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है कि ये गंदा सा पानी, आप इसे स्प्रे कर दीजिए ताकि इस पर जो डस्ट है वो इकट्ठा ना हो। देखिए ये पत्ती साफ निकल आई, ऐसा ही आपको करना रहेगा। हालांकि ये जो क्यूकम्बर है, खीरा है, और ये फ्लावरिंग स्टेज पे है, आप देखेंगे नीचे बहुत सारा फ्लावर लगा हुआ है और इसकी वाइन भी जो है काफ़ी फैल गई है। तो इस तरीके से आप इसकी कभी कभार सफाई कर दिया कीजिए, इससे क्या रहेगा कि इसकी प्रॉपर ग्रोथ बनी रहेगी। तो ये एक प्रैक्टिकल मैं करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके की, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं लाऊंगा जिसमें मैं अपने प्लांट्स के साथ कोई ऐसा काम करूँ जिस पर उस पर डस्ट वगैरह इकट्ठा हो, या आपको बस सिखाने के लिए था। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स रहती हैं, ट्रिक्स हैं, और बहुत सारे पैरामीटर्स कैसे कंट्रोल किया जाए, एक्चुअल वर्कआउट कैसे किया जाए, अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो मेरा 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, आप उसके लिए उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है। तो अगर आपका ऐसे में फिर भी कुछ है, आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे दिन भर में 40 से 50 मैसेजेस कम से कम इतना ज़रूर रहता है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा घंटे दो घंटे का, जैसे मैं फ्री होता हूँ या कभी कभी मेरे शाम हो जाती है तो उस समय मैं आपको आपका रिप्लाई करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरा जो प्रॉपर वीडियो आता है, मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरा डेली शाम को 4 से 5 के बीच में मेरा एक वीडियो रहता है, अगर आप बेल आइकन वगैरह से आप
टाइमिंग को याद रखेंगे तो भी आपको आपका जो वीडियो है वो चैनल पर जाके मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसकी फिलहाल मैं एक अपडेट लाने वाला हूँ कि जो वाइन्स को मैंने लास्ट टाइम लगाया था ये वाइन्स ज़्यादा फैल गई, तो अभी मुझे ये रस्सियाँ लगानी पड़ रही हैं, तो मैं इस पर भी वीडियो ले आऊँगा। इसका वीडियो मैं जल्दी इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इसी चीज़ का होगा कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जो मेरा ये खरबूजा मैंने लगाया था ये बहुत ही ज़्यादा फैल गया है। आप देखेंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ ये इस तरीके से, अब ये ऊपर चढ़ने के लिए इसको मुझे सहारा देना पड़ेगा। इसका भी मैं अपडेट लाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। भारत फार्मिंग हमेशा समृद्धि की बात करता है। भारत फार्मिंग एक कदम समृद्धि की ओर।